हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसा फॉर्ड लाया हूँ जिस जो कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ये देखिए, मेरा डीवीडी चालू है और टीवी को मैं एवी मोड में करता हूँ तो साउंड आएगा लेकिन पिक्चर नहीं आएगा। देखिए, वो तो देगा सहारा, क्योंकि देखने वाली बात ये भी है कि इतनी बकबक कर लेती है तो अहमद को समझाती क्यों नहीं? तो इससे तो थोड़ा छोटा देखिए, भी साउंड आ रहा है लेकिन क्योंकि पिक्चर नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह आता है मैं काम सर, वॉल्यूम को और आप थोड़ा बढ़ा रेडियो देता समझा हूँ। सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात ये है कि जब तक हमको ये नहीं मालूम हो कि हमें समझाना क्या है तो फिर हम समझाएंगे कैसे? टीवी का मूड चेंज कर रहा हूँ। जबलपुर में ये देखिए, मूड चेंज किया। अब देखिए, ये भी लगाता हूँ, साउंड आया। इतनी बार मुझे लिख चुका है, अहमद मियाँ को यहाँ भेज दो। अपने एक बार फिर से मैं टीवी का मूड चेंज कर रहा हूँ तो आप देखिए, और फिर ए भी लगाया। अब इसका प्रॉब्लम हो जाएंगे, एबीएल सेक्शन में इसका प्रॉब्लम है। हम तो ठीक अब इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी भी जानते हो, ध्यान से देखिएगा। जबलपुर के मामू ने लिख दिया। तो देखिए, मैंने टीवी को ओपन कर दिया है और इसका किट बाहर निकाल रहा हूँ। तो देखिए, इसका फ्लाई बैग में एबीएल सेक्शन, एबीएल देखिए, ये एबीएल का है और एबीएल से एक रजिस्टर के थ्रू, देखिए एक रजिस्टर मैंने चेक किया था और रजिस्टर ओके था, और रजिस्टर के थ्रू हो के एक नीचे जाएगा जेनर डायट के। देखिए, ये रजिस्टर के थ्रू हो के और ये इसी ट्रैक को पकड़ के आप नीचे चले जाइए, एक जेनर डायट मिलेगा नीचे। ज़्यादा से ज़्यादा वो रजिस्टर ही ख़राब होता है, और ना अगर रजिस्टर सही है तो एक जेनर डायट आता है। देखिए, अब ये जेनर डायट, यही है जेनर डायट। तो मैं इस जेनर डायट को बाहर निकाल दूँगा। देखिए, मैं इस जेनर डायट को बाहर निकाल दे रहा हूँ। मैं इसको ऊपर से ही कट कर लेता हूँ कटर से। तो देखिए, मैं इसको ऊपर से ही कट कर देता हूँ। देखिए, मैंने कट कर दिया। अब देखिए, मेरा पिक्चर 100% आएगा। अगर नहीं आएगा तो वो बड़ा आईसी का प्रॉब्लम रहेगा। तो मैं देखिए, अब टीवी को चालू कर रहा हूँ, आप देखते रहिए। देखिए, मैं थोड़ा टीवी को घुमा लेता हूँ। मैं इस प्रॉब्लम को आपको समझाता हूँ अभी डायग्राम के जरिए, तब तक आप भी देख लीजिए। देखिए, मैंने टीवी को चालू किया। ऐसा प्रॉब्लम आया तो आप ऐसे ही सॉल्व करिए। एबीएल सेक्शन का ये फॉल्ट रहता है। ये देखिए, पिक्चर भी आ गया और साउंड भी आ गया। देखिए, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो जिनर डायट की वजह से वो सप्लाई जो ना वो पास नहीं कर रहा था आईसी को, इसके कारण वो बीच में बाधा आ रहा था वो जिनर डायट की वजह से। मैंने जिनर डायट को निकाल दिया और प्रोटेक्शन के करल लगाया गया था, उसका यूज बस प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया था। अब मैं इस प्रॉब्लम को आपको डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। ये देखिए, मैंने जेन गार्ड के इसी का प्रॉब्लम था। ज़्यादा ज़्यादा वो रजिस्टर का प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस जेन डायट का भी प्रॉब्लम आया। देखिए, मैं डायग्राम के जरिए समझाता हूँ आपको। तो देखिए, मैंने इसका डायग्राम बनाया है।